दिखते हैं हैंडसम, रखते हैं हर रियलिटी शो को जीतने का एटीट्यूड। वो है द फेमस एक्टर और खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के विनर करणवीर मेहरा, जो आजकल बिग बॉस 18 में दिखाई दे रहे हैं और सबको इनका गेम बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, ये कभी भी बिग बॉस करना ही नहीं चाहते थे और हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा पर्सनल लाइफ की वजह से लाइमलाइट में रहे हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू टॉक अबाउट यू। आज की इस वीडियो में हम करणवीर की लाइव स्टोरी के थ्रू ऐसे अनसुने राज जानेंगे जो आपको कोई नहीं बताएगा कि आखिर इन्होंने दो दो शादियां क्यों की और चली एक भी नहीं। हम कुछ नहीं लेकिन पासे अदब रखते हैं, हाथ खाली है लेकिन नामो नसब रखते हैं। तो क्या हुआ अगर मोहब्बत में नाकामयाब है, तो क्या हुआ अगर मोहब्बत में नाकामयाब है, एक आध जख्म तो इस उम्र में सभी। और ऐसी क्या वजह थी कि इनको शराब की बुरी लत लग गई और अपने एक्टिंग करियर में ये क्यों रहे बहुत ज्यादा अनलकी। ऐसे ही कुछ अनसुने सच आप इस वीडियो में जानोगे अगर आप ये वीडियो शुरू से एंड तक देखते हो। और उसके लिए आपको करना होगा ये वीडियो लाइक और नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग करणवीर मेहरा या उनसे कुछ इंटरेस्टिंग बात आप जानते हो तो जरूर लिखना। तो आप करो कमेंट और मैं करती हूँ इस वीडियो को शुरू। 28 दिसंबर 1982 को दिल्ली की एक पंजाबी फैमिली में इनका जन्म हुआ। इस टाइम ये 42 साल के हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मसूरी के बोर्डिंग स्कूल वैनबर्ग एलन स्कूल से की और हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद ये दिल्ली वापस आ गए। इन्होंने यहाँ पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग भी सीखी और पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। बहुत साल थिएटर करने के बाद 2005 में 23 साल की उम्र में इनको रीमिक शो में टीवी ब्रेक मिला। इसके बाद इन्होंने शन्नू की शादी, विरुद्ध, परी हूं मैं, पवित्र रिश्ता, रिश्तों का मेला जैसे कई शो किए, लेकिन सब में इन्होंने साइड रोल किया। फिर इनकी किस्मत चमकी और इन्होंने सब टीवी के शो टीवी, बीबी और मैं में लीड रोल किया, लेकिन ये शो भी खासा चला नहीं। इसके बाद इन्होंने कई टीवी शोज के साथ साथ आगे से राइट, खूनी इश्क, प्रेम कहानी 2050, बदमाश या मेरे डैड की मारुति, रागनी MMS 2, विकल्प जैसी कई मूवीज भी की। इतना ही नहीं, इन्होंने आमीन या इतना आसान नहीं, जहर 2 जैसी वेब सीरीज में भी इन्होंने अपना हाथ अपनाया। लेकिन वो सफलता इनको मिल ही नहीं रही थी जिस सफलता की ये चाहते थे। फिर 2024 में इन्होंने खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 रियलिटी शो किया, जिसमें उस शो को उन्होंने जीता भी और साथ ही साथ 30 लाख के साथ चमचमाती कार भी अपने घर ले गए और अब ये आपको बिग बॉस 18 में दिख रहे हैं और इनके गेम को इतना पसंद कर रहे हैं कि लोग चाह रहे हैं कि इस बार बिग बॉस 18 की ट्रॉफी करणवीर मेहरा ही उठाएं। तो क्या आप भी ऐसा चाहते हो, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आपको पता है, ये बिग बॉस कभी करना ही नहीं चाहते थे क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनको लोग इतना पर्सनली जाने, क्योंकि इनको लगता है कि लोग जब इनको इतना पर्सनली जानेंगे तो इनको हेट करने लगेंगे। लेकिन लोग तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो चलिए, ये थी इनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है क्योंकि इन्होंने दो दो शादियाँ की हैं लेकिन चली एक भी नहीं। तो चलिए पहले इनकी पहली शादी की बात करते हैं। इन्होंने पहली शादी 2009 में अपनी बेस्ट फ्रेंड देविका के साथ की, जो पूरे 10 साल डेट करने के बाद की। लेकिन 9 साल ये शादी चली और 9 साल के बाद 2018 में इनकी शादी टूट गई, जिसकी वजह करणवीर खुद को बताते हैं और कहते हैं कि शायद मैंने ये शादी नहीं की होती तो दो जिंदगियां नहीं बर्बाद होती। उसके बाद इन्होंने 2021 में एक्ट्रेस निधि सेठ से शादी की, जिन्होंने मेरी डेट की दुल्हन और श्रीमद् भागवत महापुराण में एक्टिंग की है। लेकिन ये शादी भी नहीं चली और 2023 में ये शादी टूट गई। जब करणवीर और निधि से शादी टूटने की वजह पूछी गई तो करणवीर ने तो इस टॉपिक पे बात करने से ही मना कर दिया और कहा कभी फुर्सत में बात करेंगे। वहीं निधि ने बताया कि दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए हम दोनों ने अलग होने का फैसला लेना ही सही समझा। अब निधि सेठ बेंगलुरु में अपनी फैमिली के साथ रहती हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर का काम सीख रही हैं। तो ये थी वजह इनकी दो शादियों के टूटने की। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि करणवीर मेहरा को शराब की लत लग गई थी। 2016 में इनका एक भयानक बाइक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से ये 5 महीना बिस्तर में पड़े थे और सोने के लिए ये शराब पिया करते थे, जिसकी वजह से इनको शराब की लत लग गई थी। लेकिन ठीक होने के बाद इस लत को उन्होंने छोड़ा
और शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया। ये थी छोटी सी लाइफ स्टोरी करणवीर मेहरा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी रियल और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। करनी हो कोई बात या करनी हो कोई शिकायत तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।